जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पीछे हमने पढ़ लिया है अपने पार्ट टू जो वीडियो है उसके अंदर भी हमने देखा है, और अब ये कौन सी हम वर्बल की तैयारी कर रहे हैं, वर्बल के जो एमसीक्यूज हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। और पार्ट वन जो है हमारा उसके अंदर भी हमने तैयारी स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने पार्ट टू जो है उसके अंदर आए काफ़ी आगे तक। हमने एमसीक्यूज़ क्या आपको बताया कैसे करने हैं, और जो हमारा रूल नंबर फोर तक हमने जो है वो पार्ट टू के अंदर किया। तो अब हम करेंगे अपना रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फाइव कौन सा जी हमारे पास? केयरिंग। बहुत इजी, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वो पढ़े हैं, वैसे ही हमारे पास रूल नंबर फाइव है स्केयरिंग। बहुत इजी है, सिंपल सा है बस। आप इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला क्या होगा, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपको सारी समझ आ जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अपने पास जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कॉपी पेंसिल रखें। मेरा मकसद ये है ताकि आप में से कोई एक बच्चा भी, एक बंदा बच्चा कोई भी, एक भी सौ में से हज़ारों में से एक भी कोई हो जाता है तो उसमें मेरी जीत होगी, एक किसी को भी इनमें फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं। तो स्क्वेयरिंग आज का हमारा टॉपिक है। तो जिसने पीछे नहीं रूल नंबर फोर, रूल नंबर थ्री वगैरह नहीं देखे वो पार्ट टू देखे, पार्ट वन देखे आपको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये रूल नंबर फाइव है हमारे पास स्क्वेयरिंग। अभी स्क्वेयरिंग में किस टाइप्स के, ये देखिए मैंने ये इंडिकेशन लिख दी हुई है, इस टाइप के हमें सवाल आएंगे। n2 n2 plus 1 n2 minus 1, दीज टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आर स्केयरिंग एमसीक्यूज। आप स्टेटमेंट होगी आपको समझ आ जाएगी n2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं। n2 के क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास स्केयरिंग है ना। n2 मतलब n क्या है, ये वैल्यू है, और 2 हमने इसको क्या करना है कि 1 से, जैसे 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 आगे हमारे पास क्या आएगा, ये जो डैश होगी इसमें आएगा जी 6 6 6 6 6 कितना होता है 6। ये देखें 6 को 2 से किया तो कितना हो गया 6 2 6 को, मतलब 6 से किया 6 इज़ 30, तो 30 इज़ दी राइट आंसर। जैसा ये देखे ना, 1 का स्केयर क्या हुआ 1, 2 का स्केयर हुआ 4, 3 का स्केयर हुआ 9, 4 का स्केयर हुआ 16, 5 का स्केयर हुआ 25, 6 का स्केयर हुआ 30। सिंपल, बहुत ईजी, जैसे पीछे हमने देखे हैं बिल्कुल। ये भी जो स्क्वेयरिंग के हमारे पास क्वेश्चन हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे, 30 इज़ दी राइट आंसर। अभी देखें n2 plus 1, अभी ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखें। ये देखें एक तरतीब बन रही है 1 2 3 4 5 6 6 का, हमने आगे 5 तक था, तो अब आगे हमने अपने जेन से सोचना है ना कि भाई 6 आएगा, 6 का स्केयर आएगा 30। अब जैसे 10 है, 10 को देखते हैं, 3 का स्केयर 9 plus 1 10, 4 का स्केयर 4 4 16 plus 1 17, आगे किसका स्केयर आएगा 5 का स्केयर 2 5 5 25 plus 1 26 6 6 ठीक है 6 का स्केयर plus 1 37 7 का स्केयर plus 1 50, आगे हमने क्या आएगा यहाँ पे डैश में 8 का स्केयर plus 1, तो क्या आएगा हमारे पास 8 is 64 65 65 इज़ द राइट आंसर। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे किया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो अपना और से देखें, समझें, नोट करें, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी इधर से आपने जस्ट समझना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करें, आपको मैं उस प्रॉब्लम का बताता हूँ। जहाँ से नहीं समझ आई इस वीडियो को दोबारा से देखें, और से देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊँगा। और PDF में अगर किसी को MCQs चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जी, थर्ड टाइप, ये जो मैंने आपको टाइप बताई है, थर्ड टाइप के ये सवाल आएंगे n2 minus 1, ठीक है। अभी ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बड़े नंबर से, 15 से करते हैं, 15 का स्केयर -1,
ठीक है, 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है जी, 223, और सॉरी 225, और माइनस 1 किया क्या आया, 224। ठीक है, आगे हम क्या, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आगे हमने क्या करना है, माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 165। ठीक है, 168 है आगे, इसको हम करते हैं जी 13 का स्क्वायर माइनस 1, 168 आ गया। 14 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हमारे पास आता है, हमारे पास आता है जी 196, माइनस 1 किया तो फिर 195 आ गया राइट आंसर, एक सीक्वेंस बन रही है। आगे हम देखें 12 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है 144 आता है, माइनस 1 किया 133 आ गया। ठीक है, अब आगे देखें, आगे क्या आएगा, 143 है। ठीक है, तो अब हमने आगे करना है, 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है, और माइनस 1 उसमें करें तो हमारे पास क्या आएगा, 120, 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें माइनस करें 120 इज़ दी राइट आंसर। सेम बिल्कुल इजी है, कोई इसमें घबराना नहीं है, आपने गौर से देखना है, पीछे कर कर वीडियो देखनी है, अगर नहीं समझ आ रही, बहुत इजी है स्क्वेयरिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब क्यूब्स जो है इसको गौर से देखें, ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने ये स्क्वेयरिंग की है बिल्कुल ऐसे इजी है, लेकिन इसमें हमारा ये वाला रिडक्ट हो जाएगा, ये वाला पैटर्न नहीं होगा, इसमें सिर्फ ये दो होंगे, एक n3 का होगा हमारे पास, एक n3 पैटर्न होगा और एक n3+1 ये पैटर्न होगा, बस दो पैटर्न के सवाल इसमें हमारे पास आएंगे क्यूब्स में। बहुत ईजी सा है, सिंपल सा, ये भी जैसे हमने ये स्क्वेयरिंग की है वैसे ही हम इंशाल्लाह ताला ये क्यूब्स भी करेंगे, और बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, स्टेटमेंट देखें आपको सब समझ आ जाएगी, ये स्टेटमेंट से पता ही चल रहा है भाई कि ये 1 है, 8 है, सिंपल सा, ये n3 वाली है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं, इसको करके देखते हैं पहले को सॉल्व, कि 1 को 1 का 3 हुआ स्क्वायर तो क्या बना, ये 1, इसके बाद 2 का 3 हुआ तो 8, 3 का 3 हुआ तो 27, 4 का 3 हुआ तो 64, 5 का 3 हुआ तो आगे 125, ऐसा ही है ना, बहुत ईजी है, देखें एक सीक्वेंस बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब आगे 6 का 3 हुआ तो इधर राइट आंसर जो होगा, 6 का 3 आपने करके देख लें क्या बनता है, टाइम थोड़ा है, अब जल्दी जल्दी हम आगे चलते हैं, 827 64। ठीक है, अब ये देखें, ये पैटर्न 1 वाले हैं, इजी सी जो स्टेटमेंट, ये आपको शुरू से ही आप क्यूब्स वाले में देखेंगे आपको समझ लग जाएगी। अभी जैसे ये 8 है, ठीक है, 2 को 3 से किया, आगे फिर 8 बन गया, आगे 3 को 3 से किया 27 बन गया, 4 को 3 से किया तो 64 बन गया, आगे 5 आता है, 5 को 3 से किया, ये आपने खुद कर लेना है, आगे हम चलें आगे भी करते हैं, 125 बन गया, हाँ 125 ही बनता है, तो 125 इज़ द राइट आंसर। 65, 126 एंड 217, 364, ये हम जब बड़ी स्टेटमेंट वाले, वैसे तो सवाल क्यूब्स में नहीं आते, लेकिन जब ये आएगा हमने समझ जाना है कि भाई ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी n3+1, हम स्टेटमेंट देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा जी n3+1 वाला है। क्यूब्स के अंदर दो ही पैटर्न हैं, हम स्टेटमेंट देखेंगे इजी सा हमें पता चल जाएगा। अगर जब आप PDF फॉर्म में मुझसे क्वेश्चन कहेंगे बोलेंगे तो मैं आपको जब भेजूंगा आप देखेंगे बिल्कुल सेम यही क्वेश्चंस होते हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा, फौज जो है वो आपको ये नहीं देखती कि बच्चा कितना लाइक है सहीन है, अगर वो यही देखना होता तो वो 60% मेरिट ना रखते, ठीक है, वो भी मेडिकल की तरह 90-95% मेडिकल मेरिट अपना रखते, वो 60% मेरिट रखा हुआ है उन लोगों ने, जो कि हर बंदा अप्लाई कर सके, ठीक है, तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही वो सिंपल क्वेश्चंस देते हैं, मुश्किल क्वेश्चन वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उनका मेरिट 60% है, वो बस देखना चाहते हैं आप में काबिलियत क्या है, कितनी काबिलियत है, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। और सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, आप PDF फॉर्म में देखेंगे आपको समझ आ जाएगी।
अब ये हमने देख लिया स्टेटमेंट, अब ये देखते हैं 4 16 से करते हैं, 4 को 3 से किया प्लस 1 65 आ गया, 5 को 3 से किया 125 प्लस 1 126, 6 को 6 के 6 को 3 से किया प्लस 1 27, 7 को 3 से किया प्लस 1 344 आ गया। अब क्या करना है जी, 5 6 7 8 4 5 6 7, आगे 8 को 3 से किया प्लस 1, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 को 3 से किया, ये बाप को देख लें, ये लंबी जोड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।